दोस्तों, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कई तरह की मोबाइल फोन कंपनियां हैं और उनके हजारों तरह के स्मार्टफोन के मॉडल्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन से मोबाइल फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं? टॉप 10 सेलिंग स्मार्टफोन में कौन कौन से मॉडल और किस किस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? आइए जानते हैं। आपको बता दूं, टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन में आईफोन 12 को सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा, वहीं लो बजट फोन में सैमसंग गैलेक्सी A12 भी आगे रहा। लेकिन टॉप 10 बिकने वाले स्मार्टफोन में Xiaomi के भी दो फोन शामिल हैं। अगर आप भी नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पिछले साल का ये डेटा देखिए। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिके स्मार्टफोन की लिस्ट, उनकी कीमत और मार्केट शेयर के बारे में उनके डिटेल्स पर नजर डालते हैं। एप्पल के आईफोन ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन सबसे आगे रहे। इसमें आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 13 साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में से थे। एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज को साल 2021 में लॉन्च किया, जिसने चौथी तिमाही में ग्राहकों को लुभाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि आईफोन 12 सीरीज ने दुनिया भर के मार्केट में ग्राहकों को खुश करने में कामयाबी हासिल की। एप्पल के अलावा Xiaomi और सैमसंग ही दो ऐसी कंपनियां थीं जिन्होंने 2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। अब यहां पर आप कंप्लीट टेबल देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आईफोन 12 का मार्केट शेयर है 2.9%। इसकी शुरुआती कीमत है 65,900 रुपए। आईफोन 12 मैक्स आता है इसके बाद, इसका मार्केट शेयर है 2.2%। इसकी कीमत है 119,900 रुपए। यहां पर आपको बता दूं, मार्केट शेयर का मतलब है ये दोस्तों कि 2.9% का मतलब 100 में से 3 लोग आईफोन 12 का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बात करें आईफोन 13 की तो 2.1 इसका मार्केट शेयर है, यानी कि 100 में से 2 लोग आईफोन 13 रखते हैं। इसकी कीमत है 69,900 रुपए। आईफोन 12 प्रो का मार्केट शेयर 2.1%, इसकी कीमत 104,900 रुपए। इसके बाद आईफोन में ही 11 आता है, इसका मार्केट शेयर 2% और इसकी कीमत है 49,900 रुपए। यानी कि सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाले स्मार्टफोन में टॉप 5 में एक भी दूसरी कंपनी का मोबाइल फोन नहीं है। आईफोन के ही अलग अलग मॉडल शामिल है, राइट। छठे नंबर पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी A12। इसका भी मार्केट शेयर काफी अच्छा 2% है और इसकी शुरुआती कीमत है 12,999 रुपए। उसके बाद Xiaomi के Redmi 9A की एंट्री होती है, इसका मार्केट शेयर 1.9% और इसकी कीमत है 6,999 रुपए। उसके बाद आईफोन SE 2020, इसका मार्केट शेयर 1.6%, इसकी कीमत है 43,900 रुपए। आईफोन 13 प्रो मैक्स 90 नंबर पर आता है, इसका मार्केट शेयर 1.3% और इसकी कीमत है 1,29,900 रुपए। और लास्ट में आता है दोस्तों Xiaomi Redmi 9, इसका मार्केट शेयर 1.1% और इसकी कीमत है 10,988 रुपए। ये रहा साल 2021 के सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल फोन की लिस्ट का डेटा। उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों, अभी आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है, कौन से मॉडल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।